प्रज्ञा और प्राची नाम की दो बहनें होती हैं। वो दोनों बहुत गरीब होती हैं, लेकिन वो दोनों बहुत मेहनती होती हैं और वो दोनों सब्जी बेचकर अपना गुजारा करती थी, लेकिन अपनी बाकी जरूरतों को पूरा कर पाना उन दोनों के लिए मुश्किल था। और ऐसे ही एक दिन प्राची को तेज बुखार लग जाता है, पर प्रज्ञा के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो दवाई खरीद सके और वो घर घर जाकर सब्जी बेचने लगती है और इससे उसकी अच्छी कमाई हो जाती है और वो प्राची के लिए दवाई खरीद लेती है। तब प्राची कहती है, दी आप ये दवाई के लिए पैसे कहाँ से लाए? तब प्रज्ञा उसे सब बताती है और कहती है, तो दवाई खाकर आराम कर। कुछ दिन बाद प्राची ठीक हो जाती है और वो दोनों बाजार में सब्जी बेचने के लिए निकल पड़ते हैं और हमेशा की तरह वो लोग केवल दो वक्त की रोटी के जितना ही कमा पाते हैं। तब प्राची प्रज्ञा से कहती है, क्यों ना हम लोगों के घर घर जाकर सब्जी बेचते हैं, इससे हमारी अच्छी कमाई भी होगी। तब प्रज्ञा कहती है, हाँ तो सही बोल रही हो, चलो आज से हम लोग घर घर जाकर सब्जी बेचेंगे। और अब वो दोनों घर घर जाकर सब्जी बेचने लगते हैं और इससे इन दोनों की अच्छी कमाई होने लगती है और अब दोनों ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते सब्जी बेचने की और वो अपने कस्टमर को अच्छी क्वालिटी की सब्जी बेचते थे जिससे उनके बहुत ज्यादा ग्राहक बन जाते हैं। और एक दिन प्रज्ञा कहती है, क्यों ना हम अपनी सब्जी की दुकान का नाम रख लें? तब प्राची कहती है, क्या हम अपनी दुकान का नाम सिस्टर वेजिटेबल स्टोर रख सकती हैं? प्रज्ञा कहती है, हाँ क्यों नहीं। और वो दोनों अपनी दुकान का नाम सिस्टर वेजिटेबल स्टोर रख लेते हैं। कुछ दिन बाद उनके पास काफी सारी सेविंग हो जाती है और वो लोग एक स्मार्टफोन खरीद लेते हैं और वो लोग बहुत मेहनत करते हैं और अपने कस्टमर को अपना फोन नंबर दे देते हैं जिससे किसी को भी अगर कभी भी सब्जी की जरूरत होती वो उन्हें कॉल कर देता और वो तुरंत उसे सब्जी डिलीवर कर देते। कुछ दिनों बाद ही उन दोनों के पास ढेर सारे कस्टमर का कॉल आने लगता है और वो दोनों पूरा दिन सब्जी डिलीवर करते रहते हैं जिससे वो बहुत थक जाते थे। इसीलिए उन दोनों ने अपने पास एक डिलीवरी बॉय को रख लिया जिससे उनका काम आसान हो गया। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और अब प्रज्ञा और प्राची के पास ढेर सारे लोग काम करने लगते थे। तभी प्राची के मैनेजर ने कहा, अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, क्यों ना हम भी अपने सब्जियों को ऑनलाइन बेचें? ये आइडिया प्राची को बहुत अच्छा लगता है और वो खुद का एक ऐप बना लेती है और फिर उस पर सब्जी बेचने लगती है जिससे पूरे देश की सब्जियों के लिए ऑर्डर आने लगते हैं। और एक दो साल बाद उन दोनों का बिजनेस देश विदेश तक पहुंच जाता है और अब वो अपनी मेहनत के दम से अमीर हो जाते हैं। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें।